देखो मेरा आटा और सूजी का गुलगुला कितना मस्त बना है। अगर आपको भी मीठा खाने का मन करे तो 10 मिनट में एक गुलगुला बना सकते हो। ऐसी गुलगुला बच्चों को ज्यादा पसंद पड़ती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेखा पाठक ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गुलगुला। उसके लिए मैं ली हूँ 1 कटोरी गेहूं की आटा है, ये आधी कटोरी से कम सूजी है, ये आधी कटोरी से थोड़ा सा ज्यादा चीनी है, ये नारियल के बुरादा है, ये इलायची है, ये खरबूजा के बीज है, ये काजू और बादाम का बुरादा है। अब इसको सारे को मैं इसमें मिलाऊंगी। ये आटा डाल देती हूँ, ये सूजी डाल देती हूँ, ये चीनी डाल देती हूँ, ये नारियल का बुरादा जो है ये भी डाल देती हूँ, एक खरबूजा और बादाम काजू जो है ये डाल देती हूँ, ये थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल देती हूँ। अब इसको मैं पानी से गीला गूंथूंगी। अब ये मेरा हो गया है, 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देती हूँ रेस्ट के लिए। ये गुलगुल्ला के आटा और सूजी सेट हो गया है। अब मैं इसको छानूंगी, तेल गरम हो गई है, अब मैं इसी में डालती हूँ। अगर आपको मीठा खाने का मन कर रहा है तो 10 मिनट के अंदर ये गुलगुल्ला बनाओ और खाओ। अब मैं इसको पलटूंगी, इसी तरह धीरे धीरे चलाते रहूंगी जब तक ब्राउन नहीं होगा तब तक। अब ये हो गया है, मैं निकाल लेती हूँ। इसी तरह मैं सारे छान लूंगी। अब मेरा हो गया है सारा, अब मैं निकाल लेती हूँ। गैस बंद करती हूँ। अब मैं दूसरे प्लेट में निकाल रही हूँ। देखो मेरा आटा और सूजी का गुलगुला कितना मस्त बना है। अगर आपको भी मीठा खाने का मन करे तो 10 मिनट में एक गुलगुला बना सकते हो। ऐसी गुलगुला बच्चों को ज्यादा पसंद पड़ती है। अगर आपको आटे और सूजी का गुलगुला अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों से शेयर करने नहीं भूलना, कमेंट जरूर से जरूर करना।